रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फैमिली किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, बहुत ही मज़े के बनती है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। प्लीज़ आपने मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मेरी वीडियो रेगुलरली आपको मिलती रहे। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 4 कप पानी डालूंगी। 2, 3, 4 और 1 किलो मैंने आलूबुखारे ले लिए हैं और इसको मैंने सिर्फ धो लिया है। अब इसको मैं मीडियम आंच पे बॉईल करूंगी जब तक इसके बबल्स नहीं बन जाते। अब ये देखें बबल्स बन गए हैं। स्टेज पे मैं स्पाइसेस डाल दूंगी। आधी टीस्पून मैंने ले ली है लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून मैंने ले ली है काली मिर्च, ये दोनों डाल दूंगी इसके अंदर और इसको बॉईल होने दूंगी। बहुत ही चटनी बनती है, इसको बनाना बहुत ही आसान है और आपने लाजमी मेरी वीडियो पूरी देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया हुआ, और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन देखें ये स्टेज पे ये फूलना शुरू हो गए हैं मेरे, ये देखें। इससे 10 से 15 मिनट और मैंने इसको पकाना है। अब इसमें ये 1/2 किलो चीनी डाल दूंगी मैं और इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं मेरे आलूबुखारे। जब तक ये गाढ़ी नहीं होती तब तक हमने इसको पकाना है। तो 10 से 15 मिनट और लगेंगे गाढ़े होने में। बहुत ही मज़े की बनती है ये चटनी, आपने लाजमी ट्राई करनी है। इस स्टेज पे खुशबू के लिए मैं 2 से 3 इलायची डाल दूंगी इसके अंदर, इससे अच्छी खुशबू आती है। ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो डाल दें, नहीं डालते तो ना डालें, मगर इससे खुशबू अच्छी आएगी। नाज़रीन ये 10 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें कितने प्यारे ये मेरे सॉफ्ट हो गए हैं। 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी कि ये जो थोड़ा हमारा लिक्विड है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बस 5 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी। नाज़रीन ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी ये 4 मगज, 1 चम्मच हाफ टी स्पून मैंने इसमें ये सिरका डाल दिया है खाने वाला और 5 मिनट इसको और पकाना है, उसको फिर मैं डिश आउट कर दूंगी। अब इसको मैं इस बाउल में निकाल लूंगी। ये देखें कितने प्यारे सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह करके ये मैं सारी इसमें निकाल लूँगी। मैंने डिश आउट कर दिया है, देखें कितनी प्यारी मेरी ये आलूबुखारे की चटनी बनी है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये कैसी लगी।
जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।